अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद फिरदौस अली आज जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो है ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो आइए हम बनाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक और आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले हम लेंगे, मैंने यहाँ आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 अंडे। दोनों अंडे को हम अच्छी तरह से ऑयल में फेंट लेंगे। अंडा और तेल अच्छा फेंटने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, इसको भी हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें के ऊपर मैंने एक चलनी रखी है, अब मैं डालूंगी, मैंने 2 कप मैदा लिया है, मेजरिंग कप से 2 कप मैदा लिया है मैंने और 1/2 कप शक्कर, सॉरी 1 कप शक्कर, इसको आधी बाउल मैंने शक्कर ली है, मेजरिंग कप से 2 कप मैदा और 1 कप शक्कर। अब इसको भी हम छान लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा करके छानते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। उसमें मैंने मैदा और शक्कर को छान ली है, अब मैं यहाँ डालूँगी 1/3 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 1/4 कप कोको पाउडर, इसको भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको छान लीजिए। अब यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं कोको पाउडर और 1/4 टीस्पून खाने का सोडा, इसको भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। 1 कप दूध लिया है, अब हम इसको धीरे धीरे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 कप दूध लिया है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, हम धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बैटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, 1 कप दूध ही लगा है। अब मैं यहाँ डालूंगी 1 पिंच इतना नमक, 1 पिंच नमक और 1/4 टीस्पून मैंने इनो लिया है वो डालूंगी। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है कि अच्छी तरह से इसमें वो मिक्स हो जाए, इसको भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। हमारा बैटर तैयार हो गया है, हमें इस तरह से बस बैटर चाहिए। देखिए ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ मैंने एक केक टिन लिया है, इसको ग्रीस करके रखा है, इसमें मैंने बटर पेपर बिछा दिया है, इसको ग्रीस करके रखा है। अब ये पूरे बैटर को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ब्लैक फॉरेस्ट केक है, ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। में मैंने पूरा बैटर डाल दिया है। मैं बहुत दिनों से आपके साथ मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है और आप सब भी खैरियत से होंगे। और अब मैंने सोचा चलिए बहुत दिनों बाद रेसिपी डाल रही हूँ तो कुछ मीठे की ही डालती हूँ, और नया साल है तो आप सबको नया साल हैप्पी न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने गैस पर पहले से ही कढ़ाई गर्म करने रख दी थी, उसमें नमक डाल दिया था और उसको प्रीहीट करने रख दी थी मैंने। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक रिंग रखकर केक टिन रख रही हूँ, इस तरह से केक टिन रख दिया है मैंने। अब हम इसको कम से कम 30 से 35 मिनट बेक होने देंगे। अंदर केक रख के मैंने कढ़ाई को ढक दी है और बिल्कुल गैस भी कम सिम कर दी है, अब 30 से 35 मिनट तक मैं इसको बेक होने दूँगी। हमारा केक तैयार हो रहा है, जब तक हम केक को सजाने के लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है 1 कप, इसको हम बीट करेंगे, पहले बिल्कुल कम बिल्कुल स्लो पे करेंगे। धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए थोड़ा करने के बाद मैं इसमें पाउडर शुगर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, पीसी हुई शक्कर डाली है मैंने और यहाँ पर मैंने
एक टेबल स्पून वेनिला एसेंस लिया है। अब हम इसको फिर से चालू करेंगे मशीन को। ये हमारा क्रीम अच्छी तरह से तैयार हो गया है, ये देखिए बिल्कुल। अब हम इसको फ्रीज में रख देंगे जब तक हमारा केक तैयार नहीं होता। देखिए हमारा केक तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें एक टूथपिक डाल के देखूँगी। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल साफ आ गई है। हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद करेंगे और केक को ठंडा होने रख देंगे। केक हमारा तैयार हो गया है। मैंने इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी धीरे से। देखिए कितने आसानी से हमारा केक टिन में से केक बाहर आ गया है। अब इसके ऊपर जो बटर पेपर है हम वो निकाल देंगे धीरे से। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है हमारा, माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है ये। देखिए इसको हम अब थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मैं इसको धागे से कट करूँगी। मैंने यहाँ धागा लिया है और इस तरह से हम केक के बीच में ये धागा रखेंगे। मैंने एक और केक की रेसिपी में धागे से केक काटना बताया था आपको। इस तरह से हम करके धागे को इस तरह से धीरे धीरे ऐसे अंदर ले जाते जाएंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से धागे से कट जाता है। अगर हमें छुरी से नहीं काटते बने तो हम धागे से बहुत ही आसानी से केक को कट कर सकते हैं। ये देखिए ये बस इस तरह से धीरे धीरे आप धागे को बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से अब देखिए ये देखिए कितनी आसानी से दो तरह हिस्सों में हमारा केक कट गया है। वो कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक दिख रहा है। ये देखिए केक को बीच में से कट कर लिया। अब अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने शुगर सिरप बना के रखा है, वो मैं केक के ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह से आप अच्छी तरह से शुगर सिरप को मैंने यहाँ शक्कर को पानी को करके रखा है। इससे अच्छा मशरूम पैदा होता है लगाने से। हम अच्छी तरह से इसको इसमें डाल देंगे शुगर सिरप को। सब तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। इस तरह से आप अच्छी तरह से सब दूर फैला दीजिए कि हमारा केक अच्छा स्पंजी और सॉफ्ट लगे। देखिए इस तरह से हमने लगा दिया है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर ये मैंने क्रीम एक पाइपिंग बैग में भरी है। क्रीम को हम अच्छी तरह से सब दूर फैला देंगे। आपको जितनी मोटी लेयर लगाना हो आप उतनी लगा सकते हैं। क्रीम लगाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से इस पर फैला दीजिए। इस तरह से सब दूर इसको बराबर आप कर दीजिए। इस तरह से पूरा क्रीम हम टेने टाइप की मदद से लगा लेंगे। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चेरी डालूंगी। देख पा रहे केक है, चेरी तो डालना ही पड़ेगी। इस तरह से हम चेरी को फैला देंगे सब दूर। मैंने चेरी को बारीक बारीक काट के रख ली है। इस तरह से आप पूरे केक पर चेरी लगा दीजिए। हमने पूरे केक पर चेरी लगा दी है। अब ये दूसरा हिस्सा भी मैं केक का उसके ऊपर रख दूंगी इस तरह से। और उस पर भी हम शुगर सिरप लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था ऐसे ही। इस पर भी हम अच्छी तरह से शुगर सिरप लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसके ऊपर भी क्रीम अच्छी तरह से लगा देंगे। हमारा केक अच्छे तरह से हमने चारों तरफ क्रीम लगा दिया है। अब यहाँ मैंने चॉकलेट को घिस कर रखी है, मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट को घिस के रखी है। अब मैं इसको केक पर इस तरह से ये साइड जो केक के हैं उस पर लगाऊंगी। इस तरह से धीरे धीरे हम इसको साइड में किनारों पर लगाते जाएंगे।
उसके बाद मैं मीट में यहाँ चॉकलेट डाल दूंगी इस तरह से। बीच में हम चॉकलेट डाल देंगे। हमारा ब्रेक फॉरेस्ट केक बनके तैयार है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने रख दूंगी, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमारा केक बनके तैयार है। आइए अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा केक बना है हमारा। देखिए मैं आपको कट करके भी बताती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा। और आपको मेरी ब्रेक फॉरेस्ट केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।